वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट ब्लॉग था मेरा रघुनाथ बाजार का, जिसमें मैंने आपको बताया कि कहां कहां पे आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं और यहां पे ही आप खा पी भी सकते हैं। बहुत ही फेमस खाने की शॉप्स हैं यहां पे, जिसमें से मैं एक दो आज कवर करूंगी। जहां पे अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ, ये बहुत ही फेमस शॉप है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट शॉप ऑफ जम्मू। बहुत ही पुरानी शॉप है और जो चीजें जहाँ से मैं शुरुआत करूंगी, वो सब जो हम बचपन में खट्टी मीठी चूरन अनारदाने की गोली, ये सॉर्ट ऑफ चीजें जो है वो आपको दिखाने वाली हूँ। तो इस शॉप का नाम है सरदार दी हट्टी। तो चलिए, ये आ गए हम शॉप पे, ये अनारदाने का चूरन आ गया। फिर अभी मैं इनको बोलती हूँ इमली दिखाने के लिए। ये आ गई हमारी इमली। और इसके अलावा जो बहुत ही फेमस है जम्मू में, वो है आम पापड़। ठीक है, सूखा सूखा सा रहता है, खट्टा मीठा सा टेस्ट। तो और इसके अलावा भी आपको इस शॉप पे काफी ऐसी चीजें मिलेगी जो कि खट्टी मीठी एक बहुत ही स्वादिष्ट टाइप की रहती है, जो हम बचपन में बहुत ज्यादा खाते थे वही है। तो ये देखिए, इसके शॉप के बिल्कुल सामने जो है इन्हीं का पार्ट है ये, बट यहाँ पे आपको सब कुलचा, चने कुलचे, देन सोया कुलचा, नान, सब कुछ मिलेगा, जो कि यहाँ का बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही टेस्टी है। बस अभी हम आए हैं छत्तू दी हट्टी पे। ये भी जम्मू की बहुत ही फेमस शॉप है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, इसको मट्ठी बोला जाता है। मेरी तो भाई वन ऑफ द फेवरेट है। चाय के साथ मट्ठी खाने का मजा ही कुछ और है, जो कि मैंने मतलब नॉर्थ में ज्यादा देखा है, पुणे में मुझे इतना मिलता नहीं है, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। इसके अलावा आपको समोसे, पनीर के पकौड़े, ये सब भी यहाँ पे मिलेगा विद चटनी। और ये मस्त जगह है, अगर आप नवरात बाजार जा रहे हैं तो यहाँ के समोसे, पनीर के पकोड़े, मट्ठी, जो भी ये सब स्टफ है, आप जरूर इसको खाइएगा, आपको जरूर पसंद आएगा। तो ये रहे हमारे पनीर के पकोड़े। तो छत्तू दी हट्टी के बिल्कुल सामने ही इनकी हलवाई की शॉप है, जहाँ पे ये सारा हलवाई का मिठाई वगैरह रखते हैं, जो अभी आप देख रहे हैं। इसको कराड़ी बोला जाता है, दूध से बनाई जाती है ये। ये जम्मू की फेमस डिश है। आई थिंक काफी लोगों को शायद पता नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने नॉर्थ में ज्यादा देखा है, साउथ में या मिडल ऑफ द इंडिया में इतना इसका नाम भी शायद नहीं पता होगा। तो ये बहुत ही फेमस है, आप इस कराड़ी कुलचा कहते हैं इसको, आप इसको जरूर खाइए जब भी आप जम्मू आएंगे। तो चलिए, अभी हम कराड़ी ले रहे हैं और मैं आपको घर जाके मिलती हूँ और बताती हूँ उसको कैसे बनाना है। जम्मू में खाने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, जो कि मैं पुणे में बहुत ज़्यादा ही मिस करती हूँ। और अगर आप कभी भी प्लान करें जम्मू आने का, जो भी मैंने आपको रघुनाथ बाजार का स्ट्रीट फूड दिखाया, आप ज़रूर उधर जाइए और ट्राई कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ज़रूर ही पसंद आएगा। तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ अभी कि लास्ट में जब हमने देखा था कि मैंने आपको बताया था, वो कराड़ी बना रहे थे। कराड़ी जो है ये दूध से ही बनती है। तो आप इसको जब हम घर पे ले, या तो आप बाहर भी खा सकते हैं, बट अभी हम उसको एज ए रॉ फॉर्म में लेके आए हैं। तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि अब इसको बना के हम कैसे खाएँगे। चलिए, तो गाइस, कराड़ी को आप ऐसे भी खा सकते हैं या कुलचे के साथ भी खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी कुलचा गरम कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कराड़ी दिखती है जब आप उसको फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमने कुलचा ले लिया था बाजार से ही, तो हमने इसको दोनों साइड से अच्छे से गरम कर लिया घी में। आप बटर में कीजिए, जैसे आपका मन है आप फ्राई कीजिए उसको, अच्छे से साइड से भी कीजिए, मतलब अच्छे से करारा होना चाहिए, तो उतना ज़्यादा ही मज़ा आता है।
तो अभी हम क्या करेंगे, उसी तवे पे आपको नॉनस्टिक लेने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा देखिए मैंने नमक डाला है। नमक डालने से क्या होता है, जो हमारी करारी है ना वो चिपकती नहीं है, और थोड़ा सा बिल्कुल घी टच किया है। नॉनस्टिक तवा लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप देखेंगे जब हम करारी को डालेंगे ना ये कितनी सॉफ्ट सी हो जाती है। तो ये मैंने यहाँ पे करारी रखी, और किसी भी कटोरी बर्तन कुछ भी लेके आपको इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, देखिए इस तरह। हल्के हाथों से प्रेस कीजिए, बहुत जोर से आपको प्रेस नहीं करना है। ये ऐसे हार्ड होती है, बट जैसे आप इसको गर्म करने के लिए रखेंगे ना तवे पे ये सॉफ्ट हो जाती है। तो गाइस अभी हम इसको थोड़ा सा पलटा के देखते हैं कैसा इसका, देखिए कितनी सुंदर कितने अच्छे से रंग निकला है। और अब आप तवे को भी अगर ध्यान से देखेंगे ना तो अच्छे से इसका जो अपना एक घी रहता है वो निकलता है, तो इसलिए ज्यादा घी लगाने की आपको जरूरत नहीं है। और अब हम दूसरे साइड से भी इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, अब ये काफी सॉफ्ट हो गई होगी। तो बस ऐसे ही आपको दोनों साइड से इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बाजार में अगर आप खाएं तो वो भी ऐसे ही करते हैं, बस यही हो जाता है कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा चटनी या फिर प्याज चीज कलाड़ी ये सब आजकल तो मार्केट में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, वैसे बना के देते हैं। नहीं तो आप इसको घर पे लेके आइए, ऐसे फ्राई कीजिए, ऐसे ही चाय के साथ खा लीजिए, या तो फिर आप कुलचे में पाव में ब्रेड किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये देखिए हमारी करारी जो है वो तैयार हो गई है। यहाँ पे हमने कुलचा ले लिया है, उसको काट रहे हैं बीच में से, और उसके अंदर अभी हम जो हमारी करारी है उसको भर देंगे। बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे से फ्राई हुई है। इसका मतलब ये होता है जब इतने अच्छे से फ्राई होना तो जो दूध है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। तो हमारी जो करारी है बहुत ही टेस्टी है। तो भाई हमारा करारी कुलचा तैयार है। आप चाहे तो इसको सॉस के साथ किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, या इनफैक्ट चीज ऊपर से थोड़ा सा प्याज काट के भी डाल सकते हैं। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। रघुनाथ बाजार का थोड़ा सा मैंने फूड जो है वो कवर करने की कोशिश की। इससे पहले भी मैंने रघुनाथ बाजार की शॉपिंग टेम्पल्स की भी वीडियो बनाई है, आप जरूर जाके उसे देखिए। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी हेल्दी बी सेफ। बाय बाय।